दोस्तों, जो बेड्स होते हैं हमारे या बेडिंग्स होती हैं, वो हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा होती हैं। दिन भर की थकान के बाद रात में जब हम अपने बेड पर पहुंचते हैं तो सारी थकान चुटकियों में दूर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही दमदार बेड्स के बारे में जिनसे उठने का आपका कतई मन नहीं करेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाता रहूं। नंबर 7, फ्लोटिंग बेड। दोस्तों, बेड तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें इस फ्लोटिंग बेड की तो इसे देखकर आपको काफी ज्यादा अचंभा होगा। इस बेड की जो लेग्स रहती हैं वो काफी अंदर की तरफ रहती हैं और ये दीवार के सहारे एकदम सेट कर दिया जाता है, जिससे कि दूर से दिखने पर ये ऐसा लगेगा जैसे जीरो ग्रेविटी पर हवा में तैर रहा हो। तो ये चीज काफी बेहतर लगती है देखने में, जो कि सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। साथ ही दोस्तों, ये बेहद स्टेबल रहता है। इस पर अगर आप उछल कर भी बैठ जाते हैं तब भी ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, यानी कि लेग्स अंदर होने का मतलब ये नहीं होता कि कहीं ना कहीं इसके बैलेंस में कोई दिक्कत आए। ये बेड बेहद स्टेबल रहता है, जिससे कि बड़ी ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 6, बेड जेट। दोस्तों, जो ज्यादातर डबल बेड्स होते हैं उनमें दो लोग तो आराम से सो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दोनों की पसंद भी एक जैसी हो। किसी को रात में सर्दी लगती है तो किसी को गर्मी, तो ऐसे में दोनों लोगों की पसंद के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है इन बेडिंग्स को, जिन्हें की इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने पर्सनल कम्फर्ट के लिए। दोस्तों, यहाँ पर इन बेडिंग्स की खास बात ये होती है कि दो सेक्शन में डिवाइड रहती है और इन बेडिंग्स को जोड़ दिया जाता है एयर ब्लोवर से, जिससे कि आप एयर के टेम्परेचर को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आपको रात में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो आप हीटर ऑन कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप इसमें कूलिंग सिस्टम ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको काफी कंफर्टेबल फील कराएगा। तो इस तरीके से दोनों लोगों की अगर पसंद अलग अलग भी है तो आपकी बेडिंग्स आपके अपने टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो जाएंगी। इसे आप इसके साथ दिए गए एक छोटे से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल फोन ऐप कंट्रोल में भी इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 5, हिडन बेड वॉल बेड। दोस्तों, ज्यादातर आजकल घर छोटे छोटे होते हैं जिसमें की जगह की अक्सर कमी रहती है, और अपार्टमेंट्स वगैरह भी आजकल बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनमें अगर आपने डबल बेड डाल दिया तो वो अच्छा खासा स्पेस घेर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत भरा होता है। तो ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस फर्नीचर को, जो कि आपकी स्पेस सेविंग भी करेगा और आप इसका इस्तेमाल एक डबल बेड के तौर पर कर पाएंगे। नॉर्मली तो देखने में ये आपको एक छोटी सी बुकशेल्फ जैसी लगेगी, जहां पर आप अपने शोपीस वगैरह सजा सकते हैं या फिर टीवी को भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप चाहें इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटे से डबल बेड में। ये चीज बेहद कमाल की रहती है और बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोसेस को करने में। तो इस तरीके से स्पेस सेवर फर्नीचर आज की तारीख में काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कम जगह में ही आपको पूरा कंफर्ट देते हैं। नंबर 4, पॉट टाइम। दोस्तों, अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको बेहद इंटरेस्टिंग इसलिए लगने वाला है क्योंकि उसके यूजेस आपको काफी ज्यादा खास लगेंगे। ज्यादातर आपने देखा होगा जो डॉर्मेट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ पर काफी सारे बेड्स एक हॉल में लगे होते हैं, जहाँ पर आपको आराम करने के लिए तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन कोई प्राइवेसी नहीं रहती है। तो ऐसी जगहों के लिए ही बनाए गए हैं इस तरीके के पॉट्स, जिनका इस्तेमाल करके आसानी से आप प्राइवेसी के साथ आराम कर सकते हैं। ये एक ऐसा छोटा सा पॉट रहेगा जिसमें की कम्फर्ट एक नेक्स्ट लेवल का होता है। इसमें आपको रीडिंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, साथ ही एक पूरी बेडिंग्स लगी होती है जिनमें कि आप आराम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो इसमें एक छोटा सा स्पीकर भी लगा होता है जिसमें कि आप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से एयर कंडीशनड होता है, यानी कि अगर आप इसमें आराम करते हैं तो किसी भी तरीके की उलझन आपको नहीं होने वाली। साथ ही बेहद कंफर्टेबल भी रहेगा, जिससे कि इसे ऑफिसर्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है लंच के दौरान। अगर एम्प्लॉयज काम करते करते बोर हो जाते हैं और आराम करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये चीज उनके लिए काफी बेहतर रहेगी, जहां पर वो प्राइवेसी के साथ आराम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि हमारी आर्म फोर्सेस को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जनरली उनके बैरक्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते जिनमें कि वो आराम कर पाए। तो इस तरीके के पॉट्स अगर उन्हें अवेलेबल कराए जाएं तो वो भी कंफर्टेबली आराम कर सकते हैं और प्राइवेसी के साथ उस पॉट में रह सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा। और बात अगर हमारी आर्म फोर्सेस की चली रही है तो दोस्तों, एक बार तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा लगाना तो बनता है। नंबर 3, हाई कैन स्मार्ट बेड। दोस्तों, वैसे ज्यादातर तो हम लोग नॉर्मल बेड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, लेकिन अगर आप एक ऐसा हाईटेक बेड देखना चाहते हैं जो कि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करे, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेड काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों, इस बेड में लगे होते हैं मोशन सेंसर्स, जैसे ही आप अपने बेड से उठते हैं तो फौरन इसमें लाइट जो लगी होती है वो जल जाती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप इसे अलग अलग एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से। वहीं दोस्तों, अगर आप इस बेड में लेटकर मूवी एंजॉय करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक स्क्रीन भी दे रखी होती है जो कि फोल्डेड रहेगी, और जैसे ही स्क्रीन आती है तो उसके
ऊपर से जो प्रोजेक्टर लगा होता है उसे आप अपने मोबाइल फोन से पेयर कराकर किसी भी तरीके की मूवी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। ये फीचर इसे काफी ज्यादा खास बनाता है। अगर आप मूवी वगैरह के शौकीन है तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको एक मिनी थिएटर वाली फीलिंग करा देगी। साथ ही दोस्तों इस बेड के काफी सारे कंट्रोल्स आपको मोबाइल फोन ऐप में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसकी लाइटिंग से लेकर हाइट एडजस्टमेंट ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन से ही सेट कर सकते हैं। साथ ही इसमें प्राइवेसी का भी ख्याल रखा गया है। अगर आप अपने बेड को चारों तरफ से बंद करना चाहते हैं तो इसमें आपको उसके भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि प्राइवेसी सेटर्स का इस्तेमाल करके आप इसे चारों तरफ से बंद कर सकेंगे। तो दोस्तों मुझे तो ये पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग बेड लगा है। कमेंट बॉक्स में हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये बेड आपको कैसा लगा है। नंबर सेकंड, मोनिका मल्टीफंक्शनल स्मार्ट बेड। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा बेड दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आप इसके फंक्शंस देखकर काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। नॉर्मली बेड का इस्तेमाल तो आराम करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आपके कंफर्ट की बात करी जाए तो इसमें एक से बढ़कर एक ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आपको काफी खास लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप इसका इस्तेमाल एक छोटी सी वर्किंग टेबल के तौर पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लैपटॉप स्टैंड वगैरह देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप आसानी से बैठकर काम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप काम करते करते थक जाएं और आपका मसाज लेने का मन करे तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक मसाजर भी दे रखा होता है साइड में, जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सामान रखने के लिए यहाँ पर आपको साइड में ड्रॉर्स दे रखी होती हैं, जिसमें कि आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। साथ ही इस बेड को आप और भी काफी सारी चीजों से पर्सनलाइज करके अपने हिसाब से बना पाएंगे। तो दोस्तों लुक वाइज ये बेड देखने में काफी हैवी लगता है, जो कि कंफर्ट के नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके जाएगा। नंबर वन, क्लैंसबॉट। दोस्तों दिन भर के तमाम उलझनों और थकान के बाद जब हम अपने बेड पर आते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें एक बेहद कंफर्ट का एहसास होता है। इस बात का अंदाजा तो वही लोग लगा पाएंगे जो कि दिन भर जॉब में अपना समय बिताते हैं और शाम को जब उनको अपना बेड मिलता है तो कितनी खुशी होती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारी बेडिंग्स होती हैं वो हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा होती है कि हम कहीं से भी आते हैं उसमें फौरन बैठ जाते हैं, जिससे कि हमें ये एहसास नहीं होता कि तमाम बैक्टीरियाज वगैरह उन बेडिंग्स में रहते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए खासतौर पर बनाया गया है ये गैजेट, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बेडिंग्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा छोटा सा रोबोट रहेगा जो कि आपकी बेडिंग्स के लिए ही बनाया गया है, जिसमें यूवी सेंसर्स लगे होते हैं जो कि आपकी बेडिंग्स को बैक्टीरिया फ्री करने का काम करेंगे। ये छोटा सा रोबोट पूरे बेड में चारों तरफ घूमता है और कोने कोने में जाकर बैक्टीरियाज को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये चीज काफी बेहतर रहती है, जिससे कि आसानी से आप अपनी बेडिंग्स को सैनिटाइज करके इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है, साथ ही वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप वीडियो में दिखाई गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।